आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो मोर के साथ अपना टाइम पास कर रहे थे, कितना काम कर रहे थे मोदी जी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व्यस्त हैं। आपको पिछले 6 महीने से लॉकडाउन किया गया है और 6 महीने के दरमियान में, जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर में, मोदी जी कल आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो मोर के साथ अपना टाइम पास कर रहे थे, कितना काम कर रहे थे मोदी जी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी के पास कितना काम करते हैं कि वो मोर के साथ अपना टाइम पास कर रहे हैं, जो कि पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी में 56,000 लोग अब तक कोरोना वायरस से मर चुके हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व्यस्त हैं, मोर के साथ मनोरंजन कर रहे हैं, वो भी घर में मोर पाल के रखा है भाई, और उसका सोशल मीडिया पे, मीडिया में दबा के वायरल तस्वीरें की जा रही हैं। क्या इससे ये नहीं लगता आपको कि देश का मजाक उड़ाया जा रहा है, देश की जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? या यूं कहें कि कोरोना वायरस के नाम पे एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। बड़ी साजिश का मतलब समझ रहे हैं आप? कोरोना वायरस में लॉकडाउन इसलिए कर दिया गया कि आप घर से बाहर ना निकल सके, क्योंकि मोदी जी को देश की एक एक संपत्ति को उनको बेचना था। अगर कोरोना वायरस के चलते, मान के चलिए लॉकडाउन यदि नहीं होता, तो लोग रोड पे उतरते, राजनीतिक दल रोड पे प्रदर्शन करते, हो हंगामा होता देश के अंदर। इसीलिए आपको पिछले 6 महीने से लॉकडाउन किया गया है और 6 महीने के दरमियान में देश की एक एक संपत्ति को BSNL को बेचने का काम किया है मोदी जी ने। और सबसे बड़ी, जीवन के साथ, जीवन के बाद भी जो एक विज्ञापन चलता है LIC, मतलब समझ रहे हैं, LIC को भी बेच दिया है। हमें कोई नहीं पता कि जो पैसा हम LIC में जमा कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया गया है, और वो प्राइवेट कंपनी कब दिवाला निकाल के आपको ठेंगा दिखा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अंजाम दिया गया है, रेलवे का प्राइवेटकरण करके आप रोड पे विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में, आपको बता दूं, लाखों की संख्या में विरोध हुआ है, रेलवे कर्मचारी रोड पे उतरे हैं, लेकिन इसका किसी भी गोदी मीडिया ने एक शब्द नहीं दिखाया है कि रेलवे के कर्मचारियों ने नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध किया है और वो रोड पे कई लाखों की संख्या में वो रोड पे उतरे हैं। लेकिन आपने कहीं भी एक जरा सा लफ्ज नहीं किसी भी मीडिया में आपने देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इसीलिए मैं गोदी मीडिया कहता हूं और देश कहता है, देश का एक एक नागरिक आप समझ गया है कि भारत सरकार की गुलामी कुछ न्यूज चैनल एंकर करते हैं, और न्यूज चैनल के मालिक तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो इनको बेचना था आपको शिक्षा संस्थान, ताकि कोई इसका विरोध ना कर सके। इनको बेचना था स्वास्थ्य विभाग, ताकि इनका कोई रोड के ऊपर विरोध ना कर सके, और यदि इक्का दुक्का निकल भी गया तो उसको हवालात की सैर कराएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन करने का मतलब है कि आप जेल जाएं या आपके ऊपर FRI दर्ज की जाएगी। जैसे अभी
पप्पू यादव ने एक जनसभा किया है, उसके ऊपर 10 आदमियों के ऊपर FRI दर्ज की गई है। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.